हेलो यो, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चा, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, और इसमें हम कर रहे थे बच्चों आपके अभ्यास के या एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। 1 से 6 तक हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे 6 ऑनवर्ड्स। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस रेसिस्टर आर गिवन बिलो। यानी आपको एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है और उसके थ्रू आई एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस जो रेसिस्टर है, ठीक है बच्चों, वो है वी वोल्ट का, और ये दर्शाया गया है। अब क्या कह रहा है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, कैलकुलेट द रेसिस्टर ऑफ दैट रेसिस्टर। यानी वी और आई के बीच में एक ग्राफ बनाइए और अवरोध के प्रतिरोध की गणना करें। चलिए अब इसमें जब बेसिक वे में देखेंगे बच्चों आप, तो क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, ग्राफ प्लॉट होना है। ये ग्राफ है बच्चों, आपका ध्यान से देख लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ। अब आपको शायद थोड़ा नजर आ रहा होगा। तो जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा, उसमें क्या होगा, करंट और वोल्टेज, यानी विद्युत और आपका जो वोल्टेज है उसकी विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे करंट को हमने y एक्सिस पे लिया है और वोल्टेज को x एक्सिस पे लिया है, और इनके बीच की तालिका के हिसाब से क्या किया है, ये पूरा ग्राफ बनाया। अब स्लोप के हिसाब से 1/r इज इक्वल टू BC/AC, ठीक है, जो कि है 2/6.8 के बराबर। अब कैलकुलेट करने पर r इज इक्वल टू 6.8/2 इज इक्वल टू 3.4 ओम। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज 3.4 ओम, रोकने वाले का प्रतिरोध कितना होगा, 3.4 ओम होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रेजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 mA इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। यानी जब एक 12 वोल्ट की किसी अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो सर्किट में 2.5 mA की धारा होती है, और प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो इसे कैलकुलेट करने का पड़ेगा हमें बच्चों ओम्स लॉ के अनुसार, और ओम्स लॉ क्या कहता है, R इज इक्वल टू वी आई। तो R का हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4. यानी वोल्टेज और आई की जो है वैल्यू को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.8 kΩ, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए रेजिस्टर ऑफ 2, 3, 4, 5 and 12 ओम रेस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट वुड बी फ्लो थ्रू द रेजिस्टर 12 ओम रेजिस्टेंस। यानी एक 9 वोल्ट की बैटरी है और उसके साथ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम तक के रेसिस्टर श्रृंखला में, प्रतिरोधक श्रृंखला में लगाए हुए हैं। अब 12 ओम प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है विद्युत की, आपको देखना है। तो जो जब सीरीज की हम बात करते हैं बच्चों, तो कोई डिविजन ऑफ करंट यहाँ पर होता नहीं है पहली चीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आर क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें सारे आर को जोड़ दिया जाएगा, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम, ये आ गया 13.4 ओम, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू और वी इज इक्वल टू आई आर, वी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 9 वोल्ट अपॉन 13.4 आ जाएगा 0.671 एम्पियर।
यानी 12 वोल्ट, 12 ओम का जो रेजिस्टर है उसके साथ में 0.671 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन, यानी 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर ले जाने के लिए कितने 176 ओम प्रतिरोधक समांतर में लगाने की आवश्यकता होगी। तो इसे मान लेते हैं कि वाई जो है अवरोधक हमें चाहिए, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है तो 1/R इज इक्वल टू वाई इंटू 1/176, तो R हो गया 176/Y। अब ओम्स लॉ के अनुसार क्या है, R इज इक्वल टू VI, ठीक है। अब जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो 176/Y इज इक्वल टू V/I, V कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है, और I है आपका कितना बेटा, I है आपका 5। तो सबकी वैल्यू पुट अप करके जब हम Y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी Y इज इक्वल टू 176 × 5/220, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर रिक्वायर्ड इज 4, यानी जो आवश्यक प्रतिरोधों की संख्या होगी हो जाएगी 4, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, शो यू वुड कनेक्ट द थ्री रेजिस्टर्स, हाउ यू वुड कनेक्ट थ्री रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। यानी आपको 6 ओम के रेजिस्टर दिए गए हैं और उसको ऐसे कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है कि पहले का जो रेजिस्टेंस आए 9 ओम और दूसरे का है 4 ओम, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसे सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करें तो ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, पहली चीज़। तो इसे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा हमें बच्चों, अलग तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे किया, दो तो हमने लगा दिए पैरेलल में और एक लगा दिया सीरीज में। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम सीरीज वाले का, सॉरी पैरेलल वाले का, समांतर वाले का, तो 3 एम्पियर आ गया, 3 ओम आ गया सॉरी। और फिर उसके बाद क्या किया हमने, ये समांतर वाले का निकल गया बच्चों, पैरेलल वाले का। अब सीरीज वाले की जब बात करें तो सीरीज में सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो पहले वाले का 9 ओम आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे वाले केस में करना क्या है, दो को सीरीज में जोड़ो और उनके पैरेलल में जोड़ दो एक को तीसरे वाले को, तो हमारा पहले का आ गया 6+6 12, और दूसरे वाले को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 4 ओम बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे दो केसेस हो जाएंगे कैसे आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं बच्चों, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड इन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 12 वोल्ट, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इज मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। यानी 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसे सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया और उसकी सप्लाई के हिसाब से रेटिंग दी गई 10 वोल्ट। अब ऐसे कितने दो वायर में 220 वोल्ट हम लगा सकते हैं लाइन में अगर मैक्सिमम करंट जो है 5 एम्पियर हो। चलिए तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब पहले कैलकुलेट करना है हमें, तो हो गया P1 = V² / R1 और R1 = V² / P1। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा R कितना आ जाएगा 4840 ओम। अब इफ द रेसिस्टेंस ऑफ x नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, तो इसमें क्या है बच्चों, हमने 4840 ओम कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हमें यूज करने हैं, तो उसके लिए हमने एक का कैलकुलेशन किया R = VI/I, 220 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, 5 एम्पियर का करंट है, तो 44 ओम का हमारा रेजिस्टेंस हो गया।
अब एक ओम, एक जो रेसिस्टर है, एक बल्ब का रेसिस्टेंस है 4840 ओम। एक्स बल्ब का हमें निकालना है, तो उस हिसाब से इन्हें अरेंज करेंगे तो 1/r = 1/r1 × x, और x = r1/r, और ये आ जाएगा बच्चों आपका, इसे डिवाइड करने पर दोनों की वैल्यू पुट अप करने पर 4840/44=110। तो हमें कितने लैंप कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में, 110। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाले पार्ट होता है वीडियो का ये कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।